हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर ये आपको देखिए एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ दिख रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि बच्चे परेशान हैं कि जो सरकारी जितने भी कॉलेज हैं, इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस, इनमें भर्ती जो है वो क्या नया आयोग करेगा। जो नया आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे रिलेटेड बात है। तो नहीं दोस्तों, जो नई जो राजकीय विद्यालय और महाविद्यालयों में भर्ती UPPSC जैसे पहले करता था, वैसे ही अब भी UPPSC के थ्रू ही भर्तियां होंगी। जबकि एडेड कॉलेज में जो भर्तियां हैं वो नए आयोग के थ्रू होंगी, जो न्यू कमीशन बन रहा है शिक्षक का। ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर प्राइमरी से लेकर हायर तक। तो यहाँ पर पूरी ये न्यूज़ लिखी है, इस न्यूज़ को मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ एडेड शिक्षक संस्थानों और परिषदीय, यानी कि जो प्राइमरी के टीचर बनते हैं उत्तर प्रदेश में, जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, उनमें परिषदीय स्कूलों में ही शिक्षकों की भर्ती करेगा। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की भांति ही UPPSC ही भर्ती कराएगा। और बहुत सारी वैकेंसी हैं भी, अध्याचन आ चुके हैं, तो इसकी वैकेंसी भी आने की उम्मीद है बहुत जल्दी। बुधवार को प्रयागराज आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में ये बात कही। अगला है, मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही होगा। इसका मुख्यालय भी प्रयागराज में होगा, इसके लिए जगह देखी जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर को भी विकल्पीय रूप में देखा जा रहा है कि हो सकता है वहीं बन जाए नए आयोग का जो मुख्यालय है। ज़रूरत पड़ी तो नई जगह की तलाश अलग से मुख्यालय के लिए की जाएगी। यहाँ पर ये पूरा दिया है। और नए आयोग के पास सभी एडेड शिक्षक संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में और सहायक अध्यापक प्रवक्ता भर्ती, अशासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती, ये सब नया आयोग करेगा। साथ ही जो चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो भी भर्तियाँ करता है वो सभी यही आयोग करेगा। वहीं परिषदीय विद्यालयों में भी यही होंगी, लेकिन राजकीय विद्यालयों में जो LT ग्रेड की शिक्षक भर्तियां होती हैं, ठीक है, प्रवक्ता की भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां होती हैं, वो पूर्व की भांति ही UPPSC करेगा। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो नया आयोग है उससे संबंधित विधेयक जो है वो मानसून सत्र में रखा जाएगा, और विधेयक पारित हो जाने के बाद राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी, और मंजूरी लेने के बाद नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सदस्यों का चुनाव होने लगेगा और उसके बाद जो है इस आयोग का गठन हो जाएगा, और ताकि आयोग नए आयोग के इंतजार में लंबे समय तक जो भर्तियां लंबित पड़ी हैं उन्हें शीघ्र से ही पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि जो LT ग्रेड की और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वैकेंसी होती है वो UPPSC के थ्रू ही निकलेंगी। ठीक है, जिसे GD कहते हैं, GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी जिसे कहते हैं, वो वाली UPPSC के थ्रू ही आएंगी। नए आयोग से कोई मतलब नहीं है उसका। तो वीडियो में मैंने कोशिश की आपको सब कुछ बताने की। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह के अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।